नया आईफोन 16 आ गया। इस लड़की ने देख तो नहीं लिया कहीं? इसको मैंने बोला था नया फोन दिलाऊंगी, अगर इस लड़की ने आईफोन 16 देख लिया ना तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। अभी दिलाओ, अभी दिलाओ, और देख तो ये पक्का लेगी। इतनी सारी वीडियोस आई जा रही हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, टीवी की तार निकाल देती हूँ, वाईफाई की तार निकाल देती हूँ, फिर कैसे देखेगी बिना वाईफाई के? ये कर देती हूँ। हो गया, देख भी नहीं रही। ऑफिस के लिए सामान पैक कर लेती हूँ, खाना पैक कर लेती हूँ, लेट हो रही हूँ। मम्मी मम्मी, यार ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है? मैं सुबह से ट्राई करे जा रही हूँ। वाईफाई? वो वाईफाई वाले भैया कह रहे थे कि 5-6 दिन नेट नहीं आएगा। 5-6 दिन? मम्मी मैं 5-6 दिन कैसे जीऊंगी बिना इंटरनेट के? क्या करूंगी का क्या मतलब है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है, नेट के बिना मरे जा रही है तू? पढ़ लिख जाके। मम्मी मेरे दिल में दर्द हो रहा है, अटैक दोगे क्या आप मुझे? ये नौटंकी मत कर, ठीक है? जाके पढ़ाई कर, चल। मैं ऑफिस जा रही हूँ। और कमरा थोड़ा सुधार ले बेटा, हैं? कपड़े देखे तूने? अलमारी के बाहर निकले पड़े सारे, ना चद्दर ठीक रहती ना कम्बल। कोई मेहमान आए तो क्या सोचे? बस यही काम रह गया, इसको समझाऊं ऑफिस जाऊं क्या क्या करूं मैं, चल। 5-6 दिन without internet? ओए होए होए, pain is real। सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे, तो जीऊंगी कैसे मैं बिना इंटरनेट के? कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, आज तो मरी जाऊंगी 2 दिन में ही। गड़बड़ क्या है? वाईफाई तो चल रहा है, फिर मम्मी क्यों बोल रही थी कि वाईफाई तो पीछे से खराब चल रहा है? सही तो चल रहा है, कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रही थी ताकि घर की सफाई करवा सके? छोड़ मुझे, क्या अब तो वाईफाई चल गया ना। अब देखूंगी मस्त टीवी, टाइम पास हो जाएगा। Built for Apple intelligence from the inside out. It has our most powerful pro chip. क्या? iPhone 16 आ गया? मम्मी ने तो कहा था कि मेरे को नया फोन दिलाएंगी, जल्दी देखती कैसा आया है। For our largest ever display. The next generation of iPhone starts now. This is iPhone 16 Pro. Whoa. Intelligence. A new powerful private personal intelligence system deeply integrated into your phone and across your apps to help you get things done effortlessly. Hi, mera to dil aa gaya golden wale color pe. Kitna pyara phone hai. Ab to mummy se yahi wala phone lungi. Aur Nancy soch, tu sabse pehle le legi naya trending latest phone, iPhone 16 Pro Max. Kisi ke paas nahi hoga. क्या हवा बनेगी तेरी भाई, मस्त। तो यही फोन लूंगी मैं, मम्मी को बोलती हूँ मेरे को 16 प्रो मैक्स दिलाएंगी। यस!
अरे यार मम्मी कब आएगी, जल्दी से आ जाए फिर फोन की बात करूंगी मम्मी से। कहाँ रह गई मम्मी? टीवी देख लेती हूँ। वाओ, मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स। अरे यार मैं तो सपने में देख रही थी फोन। मम्मी आ गई। मम्मी आ गई। मम्मी आपको पता है वो नहीं है एप्पल, उसका ना नया आईफोन आया है, आईफोन 16 प्रो मैक्स, और इतने बढ़िया बढ़िया कलर्स आए हैं। इस बार पहले नहीं आए थे ये वाले कलर्स, गोल्ड कलर। मम्मी इतना मस्त आया है ना गोल्ड वाला 16 प्रो मैक्स 256 GB। ओए मेरे को तो सपने में भी दिख गया था। मम्मी मम्मी पता है कितने बढ़िया बढ़िया फीचर्स आए, AI का फीचर आया, AI, इसका मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस उसको बता दो कैसे ऐसे करना है और वो सारी चीजें खुद ही करके दे देगा। और तो और मम्मी उसका रेट पता है आपको? रेट बस थकी आ रही आई हूं मैं, पानी वानी पूछ ले, आते ही आईफोन, सर दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा पानी ले आती हूँ मैं। मम्मी ये लो पानी पी लो। हाँ तो मम्मी वो मैं ये कह रही थी कि मेरे को ना आप बस 16 प्रो मैक्स दिला दो गोल्डन कलर में 256 GB। कितने का है? 1.5 लाख। डेढ़ लाख का फोन? अभी तो तूने अपना फोन वो 14 प्रो क्या लिया था वो? हाँ तो मम्मी 2 साल पहले लिया था वो, तो अभी थोड़ी ना लिया था। उसके फीचर्स अलग है, इसके फीचर्स अलग है, उसमें ये सारी चीजें थोड़ी ना है जो इसके अंदर है। कैमरा भी इम्प्रूव हो गया, इसका AI भी आ गया, इसका डिजाइन भी इम्प्रूव हो गया, और आपको पता है फोन के साइड में ना सेंसर भी दे दिया कैमरे को कंट्रोल करने वाला। 2 साल हो गए, मैं तो सोचा था 3-4 साल हो गए होंगे, कम से कम तेरे को 10 साल चलाना है वो फोन। 2 साल में ही नया फोन ले दो मम्मी। 10 साल कौन चलाता है मम्मी एक ही फोन? मम्मी मेरे को आपसे आईफोन 16 प्रो मैक्स दिला दो मम्मी। अभी मेरे किसी भी दोस्तों के पास नहीं है। दोस्तों क्या, किसी के भी पास नहीं होगा। मैं अपने लिए चीजें लेती नहीं, तेरे लिए ले दूं। ऑफिस तो मेरे को पैदल चल के जाना पड़ता है, मेरे सारे कलीग ना गाड़ी में आते, गाड़ी में, और मेरे को देख पैदल जाना पड़ता है सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तेरे खर्चे उठाने होते हैं मेरे को। ख्वाहिश पूरी कर दूं फिर भी इसको इतना महंगा फोन 1.5 लाख का। राम मम्मी दिला दो यार आईफोन 16 प्रो मैक्स दिला दो मेरे को, मेरे अभी किसी भी दोस्तों के पास नहीं है। मैं सबसे पहले लाऊंगी ना तो सब मेरी तारीफ करेंगे और सब मेरा फोन मांगेंगे, लाओ दिखा दे दिखा दे एक बार दिखा दे, और फिर मैं भाव खाऊंगी मम्मी प्लीज दिला दो। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तेरे को पता भी है घर कैसे चल रहे इतनी कम सैलरी में, आईफोन चाहिए उसमें, तभी आते ही बैग ले लिया मेरा। सर दर्द हो रहा और बढ़ा दे सर दर्द मेरा। तुम लोगों ने एप्पल का इवेंट देखा? हाँ देखा था यार, कितना ऑसम लाइनअप आया यार आईफोन 16 सीरीज का। हाँ और पिंक कलर वाला फोन यार, वो तो बड़ा मस्त है यार, उसका गोल्डन कलर कितना मस्त है, मुझे तो लेना है, पर मम्मी मान ही नहीं रही है। मैंने तो ना अपने पापा को बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे उनका रिप्लाई पता है वो क्या बोलेंगे, हमारा तो बजट ही नहीं है, इतना महंगा फोन नहीं ले सकते यार, मेरे पापा की सरकारी नौकरी है फिर भी नहीं दिलाते। सेम, मैंने भी अपने पापा को बोला था, साफ मना कर दिया। सही में यार, पर मम्मी मान तो नहीं रही ना, पर मैं तो लूंगी यार, इतने अच्छे फीचर्स आए, इतना बढ़िया कलर आया, कैमरा भी इतना इम्प्रूव हो गया है, और तो और AI भी आ गया उसमें। और पता है अगर हमारे आसपास कोई खड़ा हो ना हम तो उसको भी हटा सकते हैं फोटो में से। हाँ यार कितना मस्त फीचर है ना यार, सोच के देख वो गोल्डन कलर वाला फोन कितना अच्छा लगेगा हमारे हाथ में, ऊपर से ना स्क्रीन साइज भी इंक्रीज कर दिए फोन के।
यार उसमें ना ग्रेड 5 टाइटेनियम है, गिर भी जाएगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस फोन को। सही है यार, मेरे को चाहिए वो फोन, चाहिए चाहिए चाहिए, मम्मी तो मान नहीं रही, अब क्या करूं। हाँ एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे मम्मी को खुद ही वो फोन पसंद आ जाए और मम्मी खुद ही लेना चाहे वो फोन। क्या? ठीक है, समझ गए? ठीक है ठीक है, काम पे लग जाओ। ठीक है पैर दुख जाते हैं भाई, चल चल के है राम रे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, ठीक है? अरे आंटी जी रुको तो। आंटी जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। बढ़िया, कहाँ जा रहे हो आंटी? ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ मैं बहुत। अच्छा ऑफिस जा रहे हो, सही है आंटी जी। आंटी जी आपने वो आईफोन 16 प्रो मैक्स का लॉन्च इवेंट देखा है एप्पल का? एप्पल इवेंट? ये क्या होता है? अरे आंटी जी आपने वो नहीं देखा? बताओ इस बार ना इतने मस्त फीचर आए, एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च कर दिया एप्पल वालों ने आईफोन 16 प्रो मैक्स में। उसमें है ना भर भर के फीचर डाल दिए। जैसे मान लो आपको है ना इस एरिया में फोटो खिंचवानी है और ये भीड़ भड़ाके से भरा हुआ है, मतलब लोग भरे हुए हैं यहाँ पे, आप पता है एक क्लिक में ना सबको मिटा सकते हो, जितना भी कूड़ा कबाड़ है, आई मीन लोग, सबको हटा सकते हो आप एक क्लिक में। और आपको पता है आंटी दूसरा फीचर, मान लो आप किटी पार्टी में गए हो, आपकी फ्रेंड फ्लैक्स कर रही है, फेंक रही है कि भाई मैं 10,000 की साड़ी लाई, 20,000 की साड़ी लाई, एक फोटो खींची, फोटो खींचने के बाद आप जब भी उसका प्राइस चेक कर सकते हो, अगर वो झूठ बोलती हो ना बड़ी किटी पार्टी में बेइज्जती कर देना। अच्छा बेटा थैंक यू इतनी जानकारी देने के लिए, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए, चल बाय। अरे आंटी और जानकारी तो सुन लो। ऑफिस जा रही हूँ बेटा, सब यही सवाल क्यों कर रहे हो मेरे से? अरे आंटी आपने एड देखी 16 प्रो मैक्स की, उसका कितना बड़ा जूम कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का वाइड लेंस कैमरा है, वो पेड़ देख रहे हो, पेड़, वो पेड़ ना इतना क्लियर दिखेगा, इतना क्लियर कि आप सोचोगे भी नहीं। और आंटी पता है अगर ना आपके पड़ोसी में कुछ भी लड़ाई झगड़ा, कुछ भी तू तो मैं हो रही होगी ना, तब जूम करके देख सकते हो क्या बातें चल रही है। थैंक यू बेटा जानकारी देने के लिए, तेरा फ्रेंड भी मुझे सारी चीजें बता चुका है, बाय। अरे आंटी और तो सुनते जा। ले चल खाना खा ले, खड़ी हो। मुझे नहीं खाना। किस खुशी में? नहीं खाऊंगी मैं, जब तक आप मुझे फोन नहीं दिलाओगे ना नया, मैं नहीं खाऊंगी खाना। ये तूने क्या नया लगा रखा है, फोन 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 फोन, बोल दिया ना एक बार नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। चल खड़ी हो, ड्रामे मत करा जा। मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा तो फिर क्या खाएगी? कुछ नहीं खाऊंगी मैं, भूखी मरूंगी। भूखी मरेगी कितने दिन तक जरा बताइयो? जब तक मर नहीं जाती तब तक। उल्टे सीधे शब्द नहीं कहते इसे, ले खा ले। मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, अगर खिलाना है ना तो फिर फोन दिलाओ पहले। नैंसी ऐसे जिद नहीं करते, बात माना कर। नहीं खाऊंगी मैं, चला जा। नहीं खाऊंगी मैं जब तक फोन नहीं दोगे मेरे को। एक ना थप्पड़ पड़ेगा तेरे, यहाँ रख के जा रही हो, चुपचाप खा लियो। खा लूं क्या? नहीं। राम 3 घंटे हो चुके अभी तक इसने खाना ही नहीं खाया, ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? नैंसी खाना क्यों नहीं खाया तूने अभी तक? कुछ बोलेगी? ठीक है मत खा खाना, रख रही हूँ मैं इसको, जब भूख लगेगी ना अपने आप खाएगी, वो भी ठंडा। यार हमें भी खिलाना क्या? यार प्लीज खिला देना यार, थोड़ी सी खिला दे, इतनी मेहनत से बना के लेकर आई हूँ मैं। ले तू कोल्ड ड्रिंक पी। मैं जा रही अपने घर से खा के आ रहा, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत भूखी हूँ, पता नहीं कर तुम्हें
और वैसे भी आईफोन भी तो लेना है। प्लीज गिला दे यार। ये ले मैगी खा ले, ये तो तेरी फेवरेट है ना। ये चॉकलेट तो तेरी फेवरेट है, ये तो तू पक्का खाएगी। मुझे नहीं खाना, या तो फोन दो वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। चाहे आप मेरे लिए मैगी ला दो सामने, चाहे मेरा फेवरेट पिज्जा ला दो, चाहे कुछ भी ला दो, पर मैं नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। तूने क्या जिद मचा रखी है, ये फोन फोन फोन। ठीक है मत खा, कुछ नहीं पूछूंगी अब बिल्कुल भी। सो गई है तो, कुछ खाया भी नहीं, चॉकलेट भी ऐसी रखी है, मैगी भी। बहुत जिद्दी हो गई है, सुबह ही उठाऊंगी अब। दूध पी ले और ये जल्दी से एप्पल खा ले फटाफट, चल चल। मम्मी मैंने आपको कहा था ना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो नहीं खाऊंगी, बस आप मेरे पीछे मत पड़ो अब। ओए इतने ड्रामे नहीं करते हैं, नहीं ले सकते तो फोन नहीं ले सकते, कह दिया मैंने, बीमार हो जाएगी खाना नहीं खाएगी तो। खा ले चुपचाप, एक एप्पल खा ले, ले। अच्छी बात है, बीमार हो जाऊंगी यही तो चाहती हूँ मैं। अच्छा तू ये चाहती कि मेरे हॉस्पिटल में पैसे लगे हैं, खा ले चुपचाप चल। मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं खाना तो नहीं खाना, ठीक है। दूध पी ले। मैं नहीं पीऊंगी मम्मी, मेरे को फोन चाहिए वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, आपको समझ ही नहीं आता है। राम कितनी जिद्दी लड़की है। ओए नैंसी जल्दी आजा, लेट हो रही है। आजा ना। ले टिफिन तो ले जा, इसकी वजह से ना हर बार लेट होते हैं। अरे आ गई आ गई, चलो ले ले जा टिफिन ले जा। अरे यार मम्मी मुझे नहीं खाना ना, भूख लगेगी बेटा, फिर ले जा तू। लो आज ना मेरा बर्तन, तुम लोग खा लेना मेरे नाम का, कोई व्रत व्रत नहीं है इसका, खिला देना। ठीक है आंटी खिला देंगे, चल अब जल्दी चल ले, ले बाय। ले 1.5 लाख रुपए तेरे फोन के लिए। सच्ची मेरे फोन के लिए? हाँ ठीक है, थैंक यू मम्मी। जब आपको दे नहीं थे तो फिर मेरे को इतने दिन भूखे क्यों रखा, पहले ही ना दे देते। कोई बात नहीं, अपनी औलाद की जिद के आगे कोई झुक सकता है? ले आ फोन अब जा। ठीक है थैंक यू मम्मी। इन बच्चों को कौन ही समझाए आजकल, खर्चे कितने होते हैं, कहाँ समझेगी मेरी बेटी। कोई नहीं खुश हो जाएगी। मम्मी। हाँ फोन ले लिया मैंने मम्मी। अच्छा दिखा। अरे मम्मी यहाँ पे नहीं है, कैसे दिखाऊ मैं आपको, फोन तो ना बाहर दुकान से लेके आना पड़ेगा। बाहर बाहर कहाँ रखा ही फोन? अरे बोला तो मम्मी दुकान पे है, दुकान से लाना पड़ेगा, चलो आप मेरे साथ। अच्छा चलो चलो चलो, चप्पल तो पहन। अरे कहाँ लेके जा रही हो, मुझे एक फोन ही तो ओपन करना है, गिर जाऊंगी मैं। अरे मम्मी नहीं गिरोगी, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे राम ये लड़की भी ना। 1 2 3 सरप्राइज। का
हाँ मम्मी, कार नहीं आपकी कार। मेरी कार? हाँ। तू ये लाई है? फोन कहाँ है फिर? अरे मम्मी, आपने मुझे पैसे दिए थे ना फोन लाने के लिए, तो मैं उसका फोन नहीं लेके आई हूँ, बल्कि आपके लिए गाड़ी लेके आ गई, क्योंकि मेरे फोन से ज्यादा जरूरत आपको गाड़ी की थी, इसलिए मैंने ना 1.5 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट भर दी और बाकी की ईएमआई पे करवा लिया है, तो हम दोनों ना सेविंग्स कर करके गाड़ी की ईएमआई भर देंगे। हाय कितनी बढ़िया कार है। थैंक यू बच्चा। कैसी लगी आंटी आपको गाड़ी? बहुत बढ़िया है। मेरा प्लान था आंटी, मतलब तेरे को याद था मैं 5 साल से सेविंग कर रही हूँ कार के लिए। हाँ अब चलो ना मम्मी, इसकी टेस्ट ड्राइव तो ले लो। चाबी? चलो चलो भैया। मम्मी कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? बहुत ही बढ़िया, मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं बता ही नहीं सकती तुम्हें, मतलब जितना खुश हो रहा है मेरा। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने अपने से ज्यादा मेरे बारे में सोचा। और फोनों का क्या है, फोन तो तेरे पास पहले भी है ना, उससे काम चल रहा है, महंगा फोन लेने की क्या जरूरत, ये चीज तो काम भी आएगी है ना। नैन्सी, शीला, रौनक, देख माय फोन 16 प्रो लिया, वो भी 512 GB।